ऑपरेशन स्केम माई होम, उन्होंने कहा अच्छा भाई साहब हम लोग एक मूवी कर रहे हैं, मूवी का नाम पूछा मैं वेलकम टू भजरंगपुर। अच्छा अच्छा कहाँ पर कर रहे हैं? ये हैदराबाद में कर रहे हैं। अच्छा हिंदी मूवी आप हैदराबाद में कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? ठीक है, जनरली शूटिंग चलता है रामोजी फिल्म सिटी में या कोई अन्नपूर्णा स्टूडियो सीन हैदराबाद, अगर नहीं कुछ बाहर चलता है। लेकिन पहली बार मैंने ये लोग को पूछा आप लोग क्यों यहाँ पर करना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा हमारा स्टोरी है। अच्छा एक लाइन में आप मेरे को स्टोरी बोल सकेंगे? ठीक है, इतना अच्छा स्टोरी मैं सुना है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। डेफिनेटली अभी मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रहा हूँ, एयरपोर्ट के अपोजिट एग्जैक्टली देर इज़ वन रोड नेम हनुमान रोड, हनुमान रोड। अभी मैं जा रहा था वेलकम टू भजरंगपुर, क्या इसका लिंक है? व्हाट इज़ द लिंक? अच्छा मैंने सोचा ठीक है सब हिट हिट का जो कॉम्बिनेशन है, इज ऑलरेडी प्रूव्ड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर, ऐसा सो मेनी हिंदी मूवीज जब जब देखते रहता हूँ। टीम बोल तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। वांटेड शूटिंग चल रहा था तो प्रभुदेवा डायरेक्शन, एक ही जगह में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो मैं वो सेट पे गया तो भाई बैठ के है ना सलमान भाई, उन्होंने बैठ के सर ये अली है एक्टर। अच्छा हाय सलमान सर अली सर इज एक्टेड मोर देन जब 900 मूवीज था 1100 क्या सर 900 मूवीज व्हाट सर 900 मूवीज तू कब सोता है? मैंने कहा नहीं मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ मूवी इंडस्ट्री में, एक्टेड ऑल साउथ लैंग्वेज। ये एक्टर का नसीब ऐसा है जहाँ भी जाओ पब्लिक देखते ही अरे ये अपना आदमी है, वो होता है एक्टर का नसीब है जहाँ भी जाओ। और रिसेंटली आई वेंट विथ माई फैमिली मक्का, वहाँ पर मक्के में पब्लिक आ गए तो सिक्योरिटी वाला आ गया, हेला 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 मा हेला हेला बोल के, वो अरबी में लैंग्वेज बात कर, तो उसने कहा नो ही इज अ इंडियन एक्टर, ही से आ आ आ आ सेल्फी वो है बिकॉज ऑफ दिस फेस एंड रियली आई अप्रिशिएट एंटायर यूनिट। एंड भाई साहब आपने अभी आप पूछा था हिंदी बात कर सकते हैं, ये फिल्म में हम लोग को हिंदी नहीं चाहिए, ओनली इंग्लिश। और उन्होंने इंग्लिश में बात करेंगे, सही बात है यस, उसका मतलब ये बोलेगा मूवी में उसको ट्रांसलेट करने की चुनौती मेरे ऊपर, यस सब टाइटल नीचे आएगा। और बाकी जो गांव में जो शूटिंग होता है मूवी का जो कैरेक्टर है, एंड रियली अप्रिशिएट माय डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स एंटायर टीम, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, दिस इज 100% सुपर डुपर हिट होगा, होएगा भी। अच्छा ब्रह्मानंद सर भी इसमें दिख सकते हैं, ब्रह्मानंदम साहब कमाल की जोड़ी है और हिट जोड़ी हम बोल सकते हैं, जो भी फिल्में वो सभी के सभी हिट रहे हैं। यस 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 इस बारे में क्या शायद होएंगे? फिलहाल तो अभी नहीं है, तो डेफिनेटली तो है तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। सर आप नहीं 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 नो 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 दैट्स राजपाल, राजपाल यस। वो कैरेक्टर तेलुगु में कब किया? तो ऐसा कैरेक्टर है वो सब आर्टिस्ट बात करते हैं, ये सिर्फ इसका एक्सप्रेशन एक ही है, इसको लॉटरी लग गया, वो लॉटरी में इसका हार्ट अटैक आ गया मर गया, तो हंसते मर जाता है उसके हाथ पे लॉटरी रहेगा तो उसको निकाले तो आधा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको संभाल के निकालना है। वो कैरेक्टर में करते हुए सोचा अरे बहुत अच्छा किया, मैं इतना मूवीज में काम किया तो मैं भी और अच्छा करना चाहिए, तो ये फिल्म में इतना बड़ा कॉम्बिनेशन में मेरे को चांस मिला। अभी क्या है हम लोग लाइन में खड़े घोड़े हैं, एक बार डोर ओपन होते ही भागो, ऐसा है ये फिल्म। और ये फिल्म स्टोरी ऐसा है कि अगर एक कोई शॉप में गए एक चीज़ लेने के लिए तो चार पांच देख के हाँ ये लेंगे, ऐसा नहीं है, एंटर होती हाँ ये चीज़ पसंद है, वो कहानी है ये
welcome to Bajrangi. Yeah. Yes. Correct. So definitely, ये जो movie release के बाद हर एक बंदा appreciate करेगा director को, actor को, writer को, heroine को and producer. दबंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आ रही है काफी buzz है दबंग का. दबंग का? हाँ हाँ. मैं उसमें constable character है और अब्बास भाई के साथ काम किया है और शरद जी भी उसमें काम करके हैं तो उन्होंने हमारे एसपी साहब हैं और मैं कांस्टेबल दो दिन का काम है और अच्छा कैरेक्टर है तो फिल्म देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा. यस सुपर. इस फिल्म की अगर बात करें तो किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए इसके बारे में? इसके बारे में स्टोरी बोले तो डायरेक्टर मेरे को मारेंगे. ऑन बोर्ड किस तरीके से आए, मतलब किस तरीके से आप तक ये फिल्म पहुँची? ये फिल्म तो आप रिलीज होने के बाद सवाल पूछो मैं बोलूँगा क्या इसीलिए.